गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है मेरी दुनिया। और आज 16 फरवरी है और आज सरस्वती पूजा है, बसंत पंचमी है, तो इसीलिए मैं तैयार हो गई हूँ पूजा करने के लिए। कुछ नहीं, मैं घर में ही छोटा सा पूजा करती हूँ, पंडित वगैरह को नहीं बुलाती हूँ, मैं खुद ही कर लेती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं है, ऐसे सरस्वती जी का जो फोटो है उसमें फूल माला चढ़ा के प्रसाद मैं बनाती हूँ, वो प्रसाद चढ़ा के, और बुक्स वगैरह रखती हूँ, पेन रखती हूँ, बुक्स रखती हूँ, और फिर मैं पूजा कर लेती हूँ। बचपन में हम लोग आज के दिन घर में ऐसे ही, जैसे मैं भी पूजा करती हूँ, मेरी मम्मी पूजा करती थी, और उसके बाद हम जाते थे, हमारा जो कम्युनिटी गैदरिंग होता था वहाँ पे सरस्वती पूजा होता था, वहाँ पे हम जाते थे और वहाँ पे जाके पुष्पांजलि देते थे और फिर भोग खाते थे, और ऐसे सबका मिलना जुलना होता था। और फिर शाम को, मतलब फिर दोपहर को खाना वाना खा के घर आ जाते थे, और फिर शाम को हम फिर से जाते थे, और उधर कल्चरल प्रोग्राम होता था, जिस बच्चे को गाना पसंद है वो गाना गाता था, जिसको डांस करना पसंद है वो डांस करता था, जिसको कविता बोलने का शौक है वो कविता बोलते थे। तो ऐसे ही मतलब कल्चरल प्रोग्राम हुआ करता था, कभी कभी प्रैक्टिस भी कर लेते थे पहले से कुछ शो करने के लिए, गाने का हो गया, डांस का हो गया, रिहर्सल करके प्रैक्टिस करके उस दिन परफॉर्मेंस देना होता था। तो बचपन मेरा ऐसे ही कटा है सरस्वती पूजा में, सुबह से जाना, घर में पूजा करके उधर जाना, और फिर उधर पुष्पांजलि दे के उधर लंच होता था, खिचड़ी जैसे मैंने आज यहाँ पे बनाया है वैसे ही हुआ करता था, और उसके साथ फिर सबका मिलना जुलना, खेलना कूदना मस्ती, घर आते आते 3:30 ऐसे हो जाता था, और फिर उसके बाद हम फिर टायर्ड हो जाते थे तो सो हो जाते थे, फिर शाम को उठ के फिर से जाते थे, वहाँ पे हम देखते थे प्रोग्राम देखते थे, फिर से सबके साथ मिलना जुलना होता था, खेलना कूदना, और फिर रात को वहाँ पे कम्युनिटी डिनर हुआ करता था। डिनर में कुछ नहीं, पूरी सब्जी मिठाई चटनी हम जो बनाते हैं, टमाटर की मीठी चटनी, ऐसा हुआ करता था, तो खा पी के फिर घर आ जाते थे। तो सरस्वती पूजा हमारा ऐसे ही करता था, जनरली हमारा सारा पूजा ऐसे ही करता था बचपन में, दुर्गा पूजा, काली पूजा, लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा। तो अभी तो खैर यहाँ पे उतना कुछ नहीं है, है पूजा होता है, बट इस बार मैं कहीं पे भी जा नहीं रही हूँ, और शादी के बाद से इतना कहीं पे जाना नहीं होता है, तो इसलिए मैं घर में ही करती हूँ, और मुझे वो बहुत फील होता है, वो बचपन का मैं बहुत मिस करती हूँ करके, घर में ही मैं सब कुछ बना लेती हूँ, वहाँ पे जैसा कम्युनिटी डिनर में बनता था, डिनर में या लंच में, वो सब मैं घर में ही बना लेती हूँ, और वो सब मैं प्रसाद चढ़ाती हूँ। तो आज भी मैंने वही किया है, खिचड़ी बनाया, बैगन बैगन भाजा जिसको कहते हैं, बैगन फ्राई, आलू फ्राई, कॉलीफ्लावर फ्राई, और चटनी बनाया, खीर बनाया, और मिठाई, सूखी मिठाई और रसगुल्ला वगैरह था, तो ये सब मैंने तैयारी किया सुबह से, तो वो मैंने इसलिए कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि उसमें कुछ नहीं है, खिचड़ी वगैरह जैसे मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ, वही है। तो फिर चलिए अब मैं जाके पूजा कर लेती हूँ, और आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं थोड़ा सा कि सुबह से मैंने क्या क्या प्रिपरेशन किया है, और अभी बन गया है सब कुछ, और मैं जाऊँगी अभी पूजा करूँगी, तो फिर आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। और आज मैंने ये वाला साड़ी पहना है, ये जो ढाकाई जामदनी है, अभी मैं मेरे पिछले वाले ब्लॉग में ही दिखाई थी आप लोगों को, मैंने वही पहना है, लेमन येलो कलर में है ये, है ऐसा। तो येलो मेरे पास बहुत सारा था, तो मेरे को पहनना नहीं होता करके, फिर आज मैंने वही येलो पहन लिया। तो फिर चलिए चलते हैं किचन की तरफ, आप लोगों को दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है। तो मैंने यहाँ पे सारा सब्जी काट के रखा है, ये सब मैं खिचड़ी में डालूंगी, काफ़ी सारा वेजिटेबल्स मैं यूज़ कर रही हूँ खिचड़ी बनाने के लिए। तो मैंने कैबेज काट के रखा है, कॉलीफ्लावर को मैंने अच्छे से धो के और बॉईल करके रखी हूँ, बीन्स काट के रखी हूँ, और ब्रिंजल काट के रखी हूँ, बैंगन ये खिचड़ी में भी डलेगा, और गोल गोल काट के रखी हूँ मैं फ्राई करने के लिए, आलू 2 प्रकार काट के रखी हूँ खिचड़ी के लिए और फ्राई के लिए, कैप्सिकम काट के रखी हूँ, गाजर काट के रखी हूँ, और टमाटर भी काट के रखी हूँ खिचड़ी के लिए, और मीठी चटनी बनेगा इससे उसके लिए।
और इधर मैं खीर चढ़ा दी हूँ, तो मैंने खीर कढ़ाई में बनाती हूँ, मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये मोटा होता है ना तो जलता नहीं है, लगता नहीं है नीचे से। और बस क्या, इधर मैं बैंगन भाजा कर रही हूँ, और इधर खिचड़ी के लिए मैं थोड़ा थोड़ा करके सब्जी डाल रही हूँ, गरम मसाला तेज पत्ता डाली हूँ, जीरा डाल के, आलू डाली हूँ, गाजर डाली हूँ, और थोड़ा सारा सब्जी मैं यहाँ पे काट के रखी हूँ। तो मैंने दिखाया आप लोगों को, कैप्सिकम, कॉलीफ्लावर, कैबेज, बीन्स, बैगन और टमाटर भी है इसमें, ये टमाटर भी खिचड़ी में डालूंगी, और बाकी से मैं चटनी बनाऊंगी, मीठी चटनी बनाऊंगी। तो ये हो जा रहे हैं, तो फिर चलिए मैं पहले बना लेती हूँ। और मैं दाल चावल धो के भिगो के रखी हूँ खिचड़ी के लिए, तो ये सब बनाने के बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से। और मैं यहाँ पे खिचड़ी बनाना स्टार्ट हो चुका है, और अभी लगभग हो भी गया है, सब्जी पूरा अच्छे से पक गया है, और इसमें मसाला डाली हूँ, सब्जी मसाला डाल के मैं इसमें पानी डाल के दाल चावल डाल दूंगी। और क्या है, एक काम करो, फ्रिज खोलो, फ्रिज में जो डोर है वो डोर के इधर फ्लावर का पैकेट है, उसमें जिसमें येलो फ्लावर है ना, एक येलो फ्लावर ले लो, बिल्कुल ही ढकना है जो टेंशन है, ऐसा एक येलो फ्लावर। और मैंने मेरा सारा तैयारी कर लिया है, इधर जहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ सजाने का, ज़्यादा कुछ खास मैंने सजाया नहीं, और ये मैंने जो दुआत होता है, जो इंक पॉट होता है, उसमें दही डालना होता है, दही डाल के हनी डालना होता है, और फिर उसके अंदर अबीर डालते हैं। हमारे में ऐसे कहा जाता है कि सरस्वती माँ को सिंदूर वगैरह नहीं लगाया जाता है, अबीर लगाया जाता है, जिससे हम होली खेलते हैं, पिंक कलर का जो होता है अबीर, तो उसमें पॉट में भी मैं अबीर रखूँगी, और उसके ऊपर मैं बेर चढ़ाऊँगी। और यहाँ पे मैंने प्रसाद बना लिया है, खिचड़ी चटनी और 3 तरीके का फ्राई, और फिर खीर,
मिठाई और फल प्रसाद तो था ही, तो ये सब मेरा हो गया है करना। और पांच तरीके का फल चढ़ाना होता है कोई भी पूजा में बोला जाता है। तो सरस्वती पूजा में बेर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे में, बोलते हैं ये तो चढ़ाना ही होता है, उसके बिना पूजा नहीं होता है, तो मैंने बेर भी रखा है। तो मेरा पूजा करना हो गया है और अभी मैं जाऊंगी, प्रसाद दे दूंगी और जो मैंने बनाया था खिचड़ी, बैगन भजा और चटनी, खीर, वही आज हमारा लंच भी होगा, मतलब जो मैंने भोग चढ़ाया था वही खाएंगे। और सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है तो अभी मैं जाती हूँ और जाके खाना खा लेती हूँ, क्योंकि बहुत लेट हो गया है, 2:30 हो रहा है, सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। एक छोटा सा मैंने मेरा सरस्वती पूजा का ब्लॉग बनाया आज, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप देखना चाहते हैं मुझे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर चलिए चलते हैं, टाटा बाय बाय, सी यू ऑन माई नेक्स्ट ब्लॉग।